गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज हेमलता मैम फ्रॉम मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स. तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं आर्टिकल्स करवाऊंगी. तो आपको पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स. ए का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, एन का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, द का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, यही चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें. तो सबसे पहले जो आपको मैं बताऊंगी कि वर्ड जो हम ए यूज़ करते हैं इसे हम ए प्रनाउंस नहीं करते, इसे हम अ कहते हैं. जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ गुड बॉय, तो हम यहाँ पे अ यू प्रनाउंस करते हैं, हम ए प्रनाउंस नहीं करते. देन आपका आ गया एन, देन आपका उसके बाद जो है वो द. द को हम द भी कहते हैं, हम इसको दी भी कहते हैं, बट ये कुछ होते हैं सेंटेंसेस जहाँ पे हम इसको द कहते हैं, दी कहते हैं, ये आगे आपको मैं करवाऊँगी. नेक्स्ट आपका आ गया टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन. ठीक है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, द जो है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल है, और ए एन जो है हमारा वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल्स की डेफिनेशन. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द जो है इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग. जो डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है ये किसको पॉइंट करता है? ये पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को और थिंग को. ठीक है, जो इंसान जिसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं पहले से, उसके साथ हम किसको यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं. ये आपको आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में. देन आपका आ गया इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ए और एन. इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग. ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता. नेक्स्ट आपका इसकी एग्जाम्पल देखिए. जो आपको मैंने डेफिनेट आर्टिकल बताया है, इनडेफिनेट आर्टिकल बताया है, उसकी एग्जाम्पल देखिए. दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. दिस इज द बुक, सेंटेंस को ध्यान से देखिए. दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ बुक. यहाँ पे यह हो कि दिस इज अ बुक, कि ये एक क्या है? बुक है. तो यहाँ पे हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है? ए किया है. बट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसके अबव जो है, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही बुक है जिसके बारे में मैंने बात की थी. मतलब उसके बारे में पहले उसने बात की हुई है, वो उस बुक को जानता है. ठीक है, उसके उस चीज़ को पहले जानता है, इसलिए यहाँ पे बुक के साथ किसका यूज़ हुआ है? द का यूज़ हुआ है. बट यहाँ पे सिंपल एक बुक के बारे में बात की गई है, इसलिए इस नाउन से पहले, इस बुक से पहले किसका यूज़ किया गया है? अ का यूज़ किया गया है. देन सेम एग्जांपल, मिस्टर राहुल इज एट द डोर. जो मिस्टर राहुल हैं वो डोर पर हैं. नेक्स्ट देखिए, अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर. अब ये कि इनमें डिफरेंस क्या आया है? यहाँ पे सिंपल लिखा गया है मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, और यहाँ पे लिखा गया अ मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर. तो यहाँ पे अ का यूज़ क्यों हुआ? अक्सर हम अगर हम मिस्टर लगाते हैं किसी भी किसी का नाम होता है तो हम अ का यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे अ का यूज़ हुआ है, वो क्यों हुआ है? ये देखिए यहाँ पे कहा गया कि मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, कि मिस्टर राहुल जो है वो डोर पर है. मतलब इसको आप जानते हो पहले से, आपकी जान पहचान है, मतलब इसको इसका पता है आपको. बट यहाँ पे आप डोर पर गए हो, आपने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपको नहीं पता कि उस डोर पर कौन है, कौन आया कौन नहीं आया. वो ऐसे बाहर से कोई आया बट उसने अपना नाम बताया, लेकिन आप उसको नहीं जानते. आपने अंदर किसी को इन्फॉर्म करना है, अगर किसी को बताना है अपने फादर को, लेट्स सपोज आपने अपने फादर को इन्फॉर्म करना है मिस्टर राहुल के बारे में कि कोई मिस्टर राहुल जो है वो आया है. तो जब आप कहोगे ना कि कोई मिस्टर राहुल आया है, तब आप किसको यूज़ करोगे? अ का. अ मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर. तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे मैंने अ का यूज़ क्यों किया है. नेक्स्ट देखिए, वेयर टू यूज़ अ एंड वेयर टू यूज़ एन, कि एन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं
ए का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। आपके आगे अगर सिंपल हम बात करें तो हम क्या करते हैं, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं और एन का यूज़ हम वॉवल्स के साथ करते हैं। अगर सिंपल हम बात करें, अगर ये जो हमने मतलब स्टार्टिंग में हम करते आए कि अगर वॉवल होगा आपका, वॉवल आपको पता ही है ए ई आई ओ यू, अगर वॉवल होंगे तो वॉवल के साथ आप किसका यूज़ करोगे, एन का यूज़ करोगे। प्लस अगर आपके कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच आई आई सॉरी आई नहीं है आई वॉवल है आपका, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, यू भी नहीं है, यू आपका वॉवल है, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम अगर ऐसे बात करें तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज़ करते हैं और वॉवल के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। बट आगे देखिए जो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि कैसे हम करते हैं। If the next word starts with a vowel sound, अगर जो next word है वो start होगा vowel sound के साथ। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि vowel sound, ठीक है, vowel sound, ये नहीं कि vowel के साथ, vowel नहीं कहा गया है यहाँ पर, कहा गया कि vowel sound होगा, then you have to use and। उसके बाद next देखिए, if the next word starts with a consonant sound, कि अगर आपका जो next word है जिससे पहले आपने a या n का use करना है, the का use करना है, तो आपने देखना है कि a और n का difference यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, the मैं आपको next time बताऊँगी, but यहाँ पर आज मैं आपको a और n ही करवाऊँगी। तो a यहाँ पर जो लगा हुआ है उसने कहा कि if the next word starts with a consonant sound, अगर जो next word है वो start हो रहा है consonant sound के साथ, तब आप किसका यूज़ करोगे, ए का यूज़ करोगे। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना कि साउंड कहा गया है, कॉन्सोनेंट नहीं कहा गया, कि अगर साउंड वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है तब आप ए का यूज़ करोगे, अगर वो साउंड दे रहा है वॉवल की तब आप एन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखिए, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए अ यूनिवर्सिटी यहाँ पर अ क्यों लगाया गया है, आगे आपके जो दिया गया है जो आपका वर्ड है वो किससे स्टार्ट हुआ है, यू से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यू से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब ये वॉवल है, तो वॉवल जब आया तो उसके पहले हमें एन का यूज़ करना चाहिए था, बट यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये साउंड कौन सी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, मतलब यू, यू जो होता है वो ये कॉन्सोनेंट है, जब ये यू की साउंड दे रहा है तो तब हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसकी, एन आवर, एन आवर, ठीक है, एन आवर जब हम कहते हैं तो क्यों आया, ये देखो ये एच जो है आपका ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट हम किसका यूज़ करें यहाँ पे, एन का यूज़ करें, एन का यूज़ क्यों करें, क्योंकि जो एच है इसमें वो साइलेंट है, हम इसको हावर नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, आवर कहते हैं, मतलब अ से ये साउंड स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ओवर कहते हैं जब हमारी कॉन्स एक वॉवल साउंड ये दे रहा है तब हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉय, आप देखिए बी है, अ बॉय, बॉय जो है वो साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अ पेन, पेन जो है ये भी किसकी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एन ऑनेस्ट, अब हम इसको ऑनेस्ट नहीं कहते, हम इसको कहते हैं ऑनेस्ट, अ की साउंड देता है, तो जब अ की साउंड दे रहा है ये वॉवल की साउंड दे रहा है तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। नेक्स्ट आपका आ गया एन ईयर, ईयर, ईयर देखो ई की साउंड दे रहा है, वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए अ ईयर, हम इसको ईयर कहते हैं ना, ईयर नहीं ईयर, ईयर, ठीक है, ईयर कहते हैं हम इसको, तो ये हमारी किसकी साउंड होगी, ये हमारी किसकी साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ किसका यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखिए, एन एम एल ए, अब देखिए एम एल ए, एम एल ए, बट हम इसको एम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, एम एल ए, एम एल ए,
एक से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए साउंड हमें किसकी दे रहा है, ये वॉवल की साउंड दे रहा है। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, एन का। देन आपका आ गया अ यूनियन, यू की साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। एन ऑरेंज, ऑरेंज जो है, ठीक है, वॉवल है ये हमारा, तो वॉवल के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। सो आई थिंक आपको ए और एन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डे आपको मैं आर्टिकल द जो है वो करवाऊंगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।